हेलो स्टूडेंट्स, इन आर टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज 5.1, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2। So let's start. In our previous video, we have discussed about how to write down given numbers in standard form. So हमने previous video में क्या discuss किया था students, कि जो भी हमें complex numbers given है उनको हम standard form में कैसे write down कर सकते हैं। आज के exercise का हमारा topic रहेगा how to find out modulus, argument of complex numbers and how to write down कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म के बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1-2। सो हमें टू क्वेश्चंस गिवन है, दोनों क्वेश्चंस के लिए हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने हैं। सो अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? जेड इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा रूट 3। सो -1 क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होगा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में कौन है स्टूडेंट्स? -√3। दिस इज़ आर इमेजनरी पार्ट। सो मॉडुलस को हम कैसे नोट डाउन करेंगे? मोड ऑफ जेड से। मोड ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, दोनों पार्ट्स को ऐड करके स्क्वायर रूट करेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ गिवन नंबर्स। आफ्टर दैट हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वो भी हम अभी देखेंगे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। गिवन नंबर क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू -1 माइनस आयटा रूट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? जेड जो हमारे पास रियल पार्ट है उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे? रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? -1। सो -1 को क्या पुट करेंगे? आर कोस थीटा। और इमेजनरी पार्ट, जो पार्ट आयटा के साथ मल्टीप्लाई में है, दैट इज -√3, उसको क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? आर साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को इक्वल टू पुट करेंगे आर कोस थीटा, इमेजरी पार्ट को पुट करेंगे आर साइन थीटा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना है, सेकंड इक्वेशन का भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर के करके दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, देन वी गेट ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट। आप सेपरेटली पहले स्क्वेयर कर सकते हैं और आफ्टर दैट ऐड कर सकते हैं, या फिर दोनों स्टेप्स को आप कंबाइन करके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वेयर करेंगे, देन व्हाट वी गेट? आर स्क्वेयर, आर कोस थीटा होल स्क्वेयर इक्वल्स टू -1 स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन का स्क्वेयर करेंगे, देन आर साइन थीटा होल स्क्वेयर इक्वल्स टू -√3 होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे और राइट साइड में राइट साइड को ऐड करेंगे। सो आर कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल्स टू -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड -√3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। 3+1 इक्वल्स टू 4। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। सो आर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 2। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? आर की वैल्यू +-2 आएगी, बट हम नेगेटिव साइन को, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देन वी गेट आर इक्वल्स टू +-√2। सो नेगेटिव साइन को हम रिमूव करेंगे, इग्नोर करेंगे, और आर की वैल्यू किस में लेंगे? +2। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हम आर निकालते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियस। आर क्या होता है स्टूडेंट्स? उसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो आर इक्वल्स टू 2। सो मॉडुलस क्या आ गया हमारे पास? 2। जो आर की वैल्यू होगी वही क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? मॉडुलस। हमने आर की वैल्यू क्यों निकाली स्टूडेंट्स? हम डायरेक्टली भी यहाँ से मॉडुलस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है स्टूडेंट्स, माइनस वन। सो माइनस वन स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस रूट थ्री। सो माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू वन, माइनस रूट थ्री स्क्वायर इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर, स्क्वायर रूट ऑफ फोर इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। सो जो मोड होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, सो मोड जेड इक्वल टू टू। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, आर कोस थीटा आर साइन थीटा लेके आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन में मॉडुलस आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करना है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें रियल पार्ट को आर कोस थीटा और इमेजनरी पार्ट को आर साइन थीटा के इक्वल पुट करना पड़ेगा। हमें ये प्रोसीजर करना ही करना था, इतने स्टेप तो हमें करने ही थे स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना था। तो हमने दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करने की बजाय दोनों को एक साथ हमने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो सेपरेटली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू को हमने जो आर कोस थीटा आर साइन थीटा इक्वेशन वन और टू कंसिडर की थी वहाँ पुट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आर कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस वन, आर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, टू। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन बाय टू। सो कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय टू, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे देन आर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, टू को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री। सो कोस थीटा की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, और साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। पहले साइन को इग्नोर करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू वन बाय टू किस एंगल पे होती है स्टूडेंट्स, पाई बाय थ्री पे, और साइन थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाय टू कितनी होती है स्टूडेंट, किस एंगल पे होती है, पाई बाय थ्री पे। मीन्स कोस पाई बाय थ्री इक्वल टू वन बाय टू एंड साइन पाई बाय थ्री इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय थ्री। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, के कोस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है। सो हमें पता है स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, आर्गेंट प्लेन होता है, वो फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट, साइन और कोस तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो कोस और साइन दोनों की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू थीटा ही कंसिडर करेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम थीटा की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे, माइनस ऑफ, माइनस का साइन लगा देंगे पाई माइनस थीटा के साथ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। सो ये वैल्यू जो हमारी सिंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर नेगेटिव एंड साइन थीटा कोस थीटा आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट क्या आएगी स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। सो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय थ्री, एलसीएम लेंगे थ्री, थ्री पाई माइनस पाई इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री, और माइनस का साइन साथ रहेगा। सो आर्ग्यूमेंट कितना है स्टूडेंट्स, माइनस टू पाई बाय थ्री। दस मॉडुलस इज टू एंड आर्ग्यूमेंट इज माइनस टू पाई बाय थ्री। तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि हमारे जो वैल्यू है थीटा की किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा को थीटा ही कंसिडर करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा निकाल के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू लाई करती है तो हम थीटा की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, माइनस ऑफ थीटा। आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। सो यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट भी नेगेटिव है
और इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव है। सो रियल और इमेजनरी पार्ट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं स्टूडेंट्स? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इसीलिए हमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा निकाला हमने आर्ग्यूमेंट। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजनरी पार्ट इज पॉजिटिव। सो ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? पाई माइनस थीटा के इक्वल। सो जो भी हमारा थीटा निकलेगा उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके हम आर्ग्यूमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन ट्राई सेकंड क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। सो हमें क्वेश्चंस गिवन है स्टूडेंट्स 3 to 8, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सेम प्रोसीजर से, रियल पार्ट को किसके इक्वल पुट करेंगे? आर कोस थीटा। इमेजनरी पार्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? आर साइन थीटा। उसके बाद हमें आर की वैल्यू निकालनी है और जेड किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। वहाँ से आर को मन लेके आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा थीटा फॉर्म में हम नंबर को राइट डाउन करेंगे। सो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? बेसिकली हमें आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालने है, मींस आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में राइट डाउन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट तो निकालना ही है, फर्दर एक स्टेप और एक्स्ट्रा राइट डाउन करना है, जस्ट इनमें इतना ही डिफरेंस है। सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स? लेट सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जेड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स? जेड इक्वल्स टू 1 - i। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजनरी पार्ट क्या है आयटा के साथ हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 into i। सो रियल पार्ट इज 1, इमेजनरी पार्ट इज -1। सो रियल पार्ट को हम किसके इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट्स? आर कोस थीटा। सो आर कोस थीटा इक्वल्स टू 1, आर साइन थीटा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट दैट इज -1। आफ्टर दैट स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे। सो आर स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 square प्लस -1 square। आर स्क्वेयर को मन लेंगे, आर स्क्वेयर इंटू को स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 square 1 प्लस -1 square इक्वल टू 1, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। आर स्क्वेयर को स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, सो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 2। सो आर की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से? ±√2। माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, सो हमें क्या लेना है? आर की वैल्यू को +2 लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे आर की वैल्यू को √2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1, सो कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? दैट इज π/4। सो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? π/4। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सो √2 साइन थीटा इक्वल्स टू -1, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2। सो 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल पे होती है स्टूडेंट्स? π/4। सो थीटा की वैल्यू कितने आए हमारे पास? π/4। नाउ यू कैन सी दैट रियल पार्ट ऑफ जेड इज पॉजिटिव एंड इमेजनरी पार्ट इज नेगेटिव। रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजनरी पार्ट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड पार्ट में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव। थर्ड पार्ट में रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स? रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजनरी पार्ट नेगेटिव। सो हमारे पास यही है, रियल पार्ट पॉजिटिव एंड इमेजनरी पार्ट नेगेटिव। सो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा इक्वल्स टू क्या लेंगे स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वैल्यू लाई करती है तो थीटा की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं? माइनस ऑफ थीटा। यही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। सो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम? -π/4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जेड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था स्टूडेंट्स? हमें गिवन जेड इक्वल्स टू 1 - i। सो 1 - i कैन बी रिटन एज, 1 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी? आर कोस थीटा। और रियल पार्ट को हमने क्या रखा था स्टूडेंट्स? आर कोस थीटा। और इमेजनरी पार्ट को क्या पुट किया था स्टूडेंट्स? आर साइन थीटा। सो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस आयटा साइन थीटा। प्लस का साइन क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे हमने -1 को कंप्लीट -1 को, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस
माइनस वन ऑफ आयोटा. सो वन को हमने क्या पुट कर दिया, आर कोस थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज आर कोस थीटा प्लस माइनस वन को हमने क्या पुट किया स्टूडेंट्स, आर साइन थीटा. और आयोटा हमारे पास सेम रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. सो आर आर दोनों टर्म्स में है, सो आर को हम कॉमन लेंगे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाय फोर के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल होता है. सो आर की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास, रूट टू. रूट टू कोस ऑफ माइनस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय फोर. सो वन माइनस आयोटा इक्वल्स टू रूट टू कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा. और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज रूट टू कोस पाई बाय फोर माइनस आयोटा साइन पाई बाय फोर. दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स, माइनस थ्री के इक्वल. सो माइनस थ्री कैन बी रिटन एज माइनस थ्री प्लस जीरो आयटा. आयटा की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो स्टूडेंट्स जीरो, जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री. सो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमें रियल नंबर दिख रहा है उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे शो करेंगे, जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस जीरो आयटा. मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास जेड इक्वल्स टू आयटा होता तो आप कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू जीरो प्लस आयटा. ओके स्टूडेंट्स, सो रियल पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज वन, वन इंटू आयटा. तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है स्टूडेंट्स, माइनस थ्री, और इमेजिनरी पार्ट कितना है जीरो. सो पुट माइनस थ्री इक्वल टू आर कोस थीटा, जीरो इक्वल्स टू आर साइन थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, आर स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री होल स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर. आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे, को स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री स्क्वेयर इक्वल टू माइनस थ्री स्क्वेयर इक्वल्स टू नाइन, नाइन प्लस जीरो इक्वल्स टू नाइन. को स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन. सो आर स्क्वेयर इक्वल टू नाइन. सो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से, स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन इक्वल्स टू थ्री. पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन वन एंड टू. वन और टू में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री. सो थ्री कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस थ्री, कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस वन. यहाँ से आर की वैल्यू पुट करेंगे थ्री, थ्री साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो. सो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, जीरो बाय थ्री इक्वल्स टू जीरो. सो कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन और साइन थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ लाई करेगी स्टूडेंट्स, किस एंगल पे कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन और साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है स्टूडेंट्स, दैट इज पाई. ओके स्टूडेंट्स, पाई पे क्या होगा, कोस थीटा, कोस ऑफ पाई इक्वल्स टू माइनस वन एंड साइन ऑफ पाई इक्वल्स टू जीरो. सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, पाई. नाउ वी हैव जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री. माइनस थ्री है स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है. सो माइनस थ्री को हमने क्या पुट किया था, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा. सो जीरो के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, आयटा साइन थीटा. सो माइनस थ्री इक्वल्स टू आर की वैल्यू पुट करेंगे कितनी हमारे पास थ्री, आर इक्वल्स टू थ्री कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई, विच इज आर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. सो दिस इज आर आंसर. सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चन को आप इसी टाइप से ट्राई आउट करेंगे. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.